नमस्कार, मैं प्रेम पाल पिथौरागढ़ डीडीआर डाइट से डीलर प्रशिक्षक। आज हम एक व्रत की सहायता से विभिन्न आकृतियों के बारे में सीखेंगे जो कि हमारी प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए हम सीखते हैं व्रत के बारे में। तो हम एक व्रत बनाएंगे जो प्रकार या किसी गोल चीज के माध्यम से हम कक्षा कक्ष में बना सकते हैं। इसमें हम सभी बच्चों को पहले एक एक व्रत काट के दे देंगे और एक अपने पास रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, व्रत को बच्चों को बताएंगे कि ये जो होता है ये व्रत की परिधि होती है। इसमें क्या होगा, बच्चा उस परिधि को छू के देखेगा जिससे उसकी लर्निंग और इफेक्टिव होगी। आइए अब हम और आकृतियों के बारे में जानते हैं इस व्रत से हम क्या क्या चीज और बच्चों को सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस व्रत को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम इस व्रत को हाफ व्रत बना देंगे, मतलब आधा आधा कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे एक व्रत के दो टुकड़े हो जाएंगे, आधा हाफ एंड हाफ। तो हमने जब हाफ एंड हाफ किया तो हमने देखा कि हमें एक ऐसी लाइन प्राप्त हुई। अब यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे कि ये रेखा व्रत का व्यास कहलाती है। ये रेखा व्रत का व्यास कहलाती है जो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हाफ व्रत है यानी कि अर्धव्रत, इस अर्धव्रत को भी और एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने अर्धव्रत लिया, इसको इस तरीके से फोल्ड किया और हमने उस अर्धव्रत को भी हाफ में बदल दिया, मतलब कि हमने व्रत को हाफ एंड हाफ कर दिया। तो ये जो लाइन प्राप्त हुई ये क्या हुआ, ये व्रत की त्रिज्या, ये भी व्रत की त्रिज्या है। तो हमें जो ये एक हिस्सा में दिख रहा है ये क्या हुआ, व्रत का चतुर्थ अंश, मतलब व्रत का चौथा हिस्सा। इसको हम त्रिज्याखंड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दो त्रिज्याओं के बीच में एक व्रत का खंड दिख रहा है, तो इसलिए व्रत का त्रिज्याखंड भी है। अब हम इसको खोल के देखते हैं हमें क्या मिला। यहाँ पे हमने देखा तो हमें जहाँ चारों लाइनें मिल रही हैं, हमने जो व्रत खोला तो हमें जहाँ चारों लाइनें एक जगह मिल रही हैं तो उसको हम बोलते हैं व्रत का केंद्र बिंदु। तो ये क्या हुआ, व्रत का केंद्र बिंदु। आइए अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम व्रत की परिधि को कहीं से पकड़ेंगे और केंद्र पर मिलाएंगे। इस तरीके से कहीं से व्रत के परिधि को पकड़ा और हमने व्रत के केंद्र पर ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया तो हमें एक ऐसी आकृति प्राप्त हुई जो एक व्रत का वृत्त खंड है, यानी कि दीर्घ व्रत खंड, हम इसको बोलेंगे दीर्घ व्रत खंड, यानी कि व्रत का बड़ा हिस्सा। और जो हिस्सा हमको नहीं दिख रहा है ये जो अब हमें दिख रहा है ये क्या है, व्रत का छोटा हिस्सा है, तो हम इसको बोलते हैं लघु व्रत खंड। और जो इस लघु व्रत खंड और दीर्घ व्रत खंड को अलग कर रही है ये रेखा, ये कहलाती है व्रत की जीवा। तो हमने व्रत की जीवा, दीर्घ व्रत खंड और लघु व्रत खंड के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि हम इस परिधि को एक बार और केंद्र पर मिलाएंगे और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस नोक से मिलाते हुए इस व्रत को केंद्र पर मिलाना है, और केंद्र पर भी मिलना भी चाहिए और यहाँ पे नोक पे भी ध्यान रखना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा केंद्र पे मिला, यहाँ पे हम इस शीर्ष को हमने बना दिया। तो हमने इस तरीके की आकृति बनाई जो हमें एक आकृति और प्राप्त हुई शंकु आकार की। शंकु कुछ ऐसा होता है नीचे से समतल होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा तीसरा हिस्सा बचा हम इसको भी यहाँ पे केंद्र पे मिलाएंगे। जो भी हमारा व्रत का केंद्र था हमने तीनों हिस्से मिलाए और हम ये ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से हमें यहाँ सावधानी रखनी है कि हमें ये शीर्ष बनाने हैं और केंद्र पे भी मिलना चाहिए और शीर्ष भी बनने चाहिए। तो हम देख रहे हैं हमारे बन चुके हैं। तो हमें एक आकृति मिली यहाँ पे जो कि ये ऐसा दिखेगा। तो ये कैसी आकृति है, यह है त्रिभुजा, यानी त्रिभुजाकार है। और हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं लगभग हमें समान दिख रही है, यानी कि एक बराबर दिख रही है। हम यहाँ पे बच्चों को इन भुजाओं को मापने के लिए भी बोल सकते हैं, इससे बच्चा मेजरमेंट सीखेगा और बच्चे को आकृति के बारे में ज्ञान भी होगा। और हम क्लास में ये भी कर सकते हैं कि बताओ बच्चों कि ऐसी आकृति की हमारे कक्षा में क्या क्या चीज दिख रहा है, तो बच्चे सोचेंगे देखेंगे, इससे उनका क्या होगा, तार्किक चिंतन बढ़ेगा और मतलब वो मतलब कक्षा के बारे में और सीखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक शीर्ष को किसी बिंदु पे मिलाया, शीर्ष पकड़ा हमने और इसको इस त्रिभुज के इस लाइन पे मिलाया, शीर्ष पकड़ के हमने ऐसे मिलाया
तो हमें एक आकृति प्राप्त थी, ये आकृति का नाम है समलंब चतुर्भुज। क्या है इस आकृति का नाम? समलंब चतुर्भुज। अब इस समलंब चतुर्भुज को हम एक बार और फोल्ड करेंगे, ध्यान से देखते हैं हम कैसे फोल्ड करेंगे। एक शीर्ष को पकड़ा और हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे मिलाया, हमने मिलाया तो हमें एक नई आकृति यहाँ मिली जो क्या है, सम चतुर्भुज, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर है, तो क्या है, सम चतुर्भुज बना। यहाँ पे हमने सम चतुर्भुज बनाया। अब हम क्या करेंगे, जो सम चतुर्भुज को भी एक छोटा मोड़ेंगे तो हमें एक त्रिभुज मिलेगा, ये भी समबाहु त्रिभुज होगा, ये समबाहु त्रिभुज हुआ, लेकिन जो हमने पहले त्रिभुज बनाया था उससे थोड़ा छोटा है। तो हम जब इस त्रिभुज को खोल के देखेंगे तो इस तरीके की कुछ आकृति बनेगी। तो इसमें हम तीनों शीर्षों को इस तरीके यहाँ मिला देंगे तो हमें एक त्रिविमीय आकृति मिली यहाँ पे जो क्या है, पिरामिड। हम इसको किधर से देखेंगे हमें एक जैसा ही दिखेगा, तो क्या है, पिरामिड। तो ये पिरामिड बनी। अब हम इसको दोबारा से त्रिभुज में लाएंगे, हमने खोला तो ये त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज के कोई दो शीर्ष, कोई भी दो शीर्ष इसके बीच में यानी सेंटर में ऐसे इस तरीके से मिलाएंगे। त्रिभुज के हमने एक शीर्ष मिलाया, दूसरा शीर्ष मिलाया, मिलाने के बाद हमें एक आकृति मिली जो इस तरीके की है। आकृति में कितनी भुजाएं दिख रही हैं? पांच भुजाएं, एक दो तीन चार और एक पांच। तो ये आकृति हुई पंचभुज, पंचभुज हुई। अब पंचभुज में हमने क्या किया, जो हमें एक शीर्ष बचा था त्रिभुज का, हमने उसको भी इस केंद्र पे मिला दिया इस तरीके से। देखो ध्यान से हमें देखना है किस कैसे मिलाना है हमें। तो हमने ये मिलाया तो हमें एक ऐसी आकृति मिली जो ऐसे दिखेगी। तो हम इसको बच्चों से बोलेंगे कि बच्चों इनकी भुजाएं गिनो, एक दो तीन चार पांच और छह। तो इसकी छह भुजाएं मतलब ये षटभुज है, षटभुज हो गया। हम इसको दोबारा एक बार खोलेंगे। अब थोड़ा हमें ध्यान से देखने की बात है यहाँ पे। हम जो हम षटभुज है इसके हम किनारों को इसके फलक को इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। हमने ऐसे किया, इसके अंदर एक शीर्ष इसके अंदर इस तरीके से डाला तो, और जो एक शीर्ष बचता है उसको इसके नीचे ऐसे ही शिफ्ट कर देते हैं तो हमें एक नई आकृति मिलती है। ये है पंचफलक। पंचफलक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसके पांच फलक हैं, एक दो तीन चार और पांच, और हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो हमने देखा कि एक वृत्त की सहायता से हमने विभिन्न आकृतियों के बारे में बच्चों को बताया। इससे क्या हुआ, बच्चे खुद करके सीखेंगे और उनकी लर्निंग और ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।